22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर पाकिस्तान की जुझारू टीम ने, पाकिस्तान की नई टीम ने रिजवान की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में जाके 2-1 से सीरीज जीत ली। बड़ी आसानी से चेस कर दिया पाकिस्तान ने और बाबर आजम ने लगाया विनिंग शॉट और जीत दिलाई टीम को। ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रचा पाकिस्तान, पाकिस्तान ने इतिहास रच दिया है। पहली बार ओडीआई सीरीज पाकिस्तान ने जीता है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ऑस्ट्रेलिया के ही ग्राउंड में जीती ही नहीं बल्कि रौंदा है दोनों के दोनों मैचेस में, वन साइडेड मारा ऑस्ट्रेलिया को, चाहे ऑस्ट्रेलिया की ए टीम हो चाहे बी टीम हो। पिछला जो इनका रूपरेखा था पाकिस्तान का वो बिल्कुल भी इस बात की तस्दीक नहीं दे रहा था कि ये टीम जाएगी ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया में वनडे की सीरीज जीत लेगी। बाकी के इन्होंने कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस, रिजवान ने पाकिस्तान क्रिकेट को बचाया है, ना ही सिर्फ बचाया है पाकिस्तान क्रिकेट को जिंदा कर दिया है भाई। अब फाइनली ये बात बोली जा सकती है कि पाकिस्तान इस बाबर आजम ने मैच फिनिश कर दिया है, छक्का मारकर बाबर आजम ने मैच जिताया है और पाकिस्तान की टीम ने इतिहास रच दिया है। और मैं तो बोलता हूँ इस जीत की जो नींव है ना वो इनकी गेंदबाजों ने रखी है, शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा प्लस इनकी अच्छी ओपनिंग है। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि कहीं विकेट लेस ये जीत ना जाए। पाकिस्तान क्रिएट्स हिस्ट्री, क्या गजब की कमेंट्री आज हो रही थी भाई, क्या गजब की कमेंट्री हो रही थी भाई। बाबर आजम एज अ बैट्समैन भाई किसी को शक नहीं था, इन लड़कों में पोटेंशियल तो है, तभी तो ऑस्ट्रेलिया में जाके जीते, वरना हर किसी के बस की बात नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हरा दो। भले आज फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी लेकिन पिछले दोनों मुकाबलों में इन्होंने ठीक ठाक जो है झटका दिया है उसकी टीम को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में हरा दिया है। पाकिस्तान ने बहुत प्यारी जीत हासिल की है। पाकिस्तान की तरफ से सैम अयूब और बाबर आजम ने बहुत अच्छी बैटिंग की है और शहीन शाह अफरीदी ने और नसीम शाह ने तीन तीन विकेट ली हैं और हारिस रऊफ ने दो विकेट ली हैं और अब्दुल शफीक ने भी बहुत ही क्लासिक बैटिंग की है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने ये मैच 8 विकेट से जीत लिया है और मोहम्मद रिजवान ने बहुत प्यारी कैप्टनसी की है। आइए मजीद जानते हैं कि इसको लेकर भारतीय मीडिया में क्या रिपोर्टिंग हो रही है। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक दफा लाइक और शेयर भी कर दें। चलो मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर पाकिस्तान की जुझारू टीम ने, पाकिस्तान की नई टीम ने, पाकिस्तान 2.0 ने रिजवान की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को पहला मैच हारने के बाद 2-1 से सीरीज जीत ली। सीरीज जीती ही नहीं बल्कि रौंदा है दोनों के दोनों मैचेस में, वन साइडेड मारा ऑस्ट्रेलिया को, चाहे ऑस्ट्रेलिया की ए टीम हो चाहे बी टीम हो चाहे सी टीम हो चाहे डी टीम। मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूंगा खड़े होकर तालियां बजाइए। मैं तो कह रहा हूं ऐसी जैसे परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने। और बाय द वे एक बात जरूर सच है कि रिजवान इज मच 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 बेटर देन बाबर आजम। रिजवान ने पाकिस्तान क्रिकेट को बचाया है, ना ही सिर्फ बचाया है पाकिस्तान क्रिकेट को जिंदा कर दिया है भाई। और वर्ल्ड क्रिकेट में अब कह सकते हैं, अब फाइनली ये बात बोली जा सकती है कि पाकिस्तान इज भैया पाकिस्तान यूएसए से हारने के बाद, सबसे हारने के बाद, खत्म होने के बाद, दफन होने के बाद कफन में से उठी है और उठ के अगले प्लेयर बन चुकी है भाई साहब। इतना गंदा मारा है, इतना गंदा इज्जत कर दिया जिस पाकिस्तान की टीम को दुनिया ने मार मार के दफना दिया था, ताबूत में पैक कर दिया था, मतलब आग लगा दी थी जिस पाकिस्तान की टीम को हर किसी ने, वो टीम आज ऑस्ट्रेलिया में घुसकर ऑस्ट्रेलिया को मार के आई है। और ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा इस बार के भाई किसी सी टीम को या किसी डी टीम को पकड़ा। पहले गेम में ऑस्ट्रेलिया की मेन साइड थी, दूसरे गेम में जो गेम ये जीते ऑस्ट्रेलिया की मेन साइड थी, तीसरे गेम में आप देख लीजिए भैया अब ऑस्ट्रेलिया खेलना ही बिल्कुल नहीं चाहे। हम खड़े होकर जो है वो इतनी तारीफ कर रहे हैं इस पाकिस्तान की टीम की और इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, पाकिस्तान के लिए एज अ कंट्री बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई के पहले तो घर में जीते इतने टाइम बाद और उसके बाद बाहर निकल के जीते हैं। किसने सोचा था यार, सोचा सोच भी छोड़ दो, क्या खुद इन लोगों ने सोचा था रिजवान ने क्या कप्तान बनने के बाद सोचा था रिजवान क्या हम जीत जाएंगे खुशी। रिजवान तो आज दुनिया का सबसे खुश इंसान होगा, सबसे ज्यादा खुश आदमी वो होगा कि वो प्रेसिडेंट बने, क्यों क्योंकि कप्तान बनते ही वो जीता है, उससे भी ज्यादा खुश होगा भाई। बाबर ने आपका जो रिजवान ने बोला था भाई, जब रिजवान की बात मुझे अभी भी याद आती है, जब कप्तान बनने के बाद उन्होंने कहा था कि हमें कोई किंग विंग नहीं चाहिए, हमें वो बंदा चाहिए, हमें वो बंदे चाहिए जो कि मुल्क के लिए खेले, जो कि पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करे, पाकिस्तान के लिए भाई 22 साल बाद पाकिस्तान के लिए। और बाय द वे पाकिस्तानी प्रियांशु पॉइंट जी 22 साल बाद सीरीज जीते हैं, बोल तो चुका हूं वही मिला था, बड़ी आसानी से चेस कर दिया पाकिस्तान ने और बाबर आजम ने लगाया विनिंग शॉट और जीत दिलाई टीम को। ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रचा है पाकिस्तान ने नितिन भाई, मतलब किसी ने ये
उम्मीद भी नहीं की होगी, किसी ने ये प्रेडिक्शन भी नहीं की होगी कि ऑस्ट्रेलिया में वो भी पहला मुकाबला हार जाएगी उसके बाद लगातार दो मुकाबले जीतकर। बिल्कुल ठीक कह रहे दीपक, क्योंकि पिछला जो इनका रूपरेखा था पाकिस्तान का वो बिल्कुल भी इस बात की तस्दीक नहीं दे रहा था कि ये टीम जाएगी ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया में वनडे की सीरीज जीत लेगी। पहला मैच हारे उसके बाद कमबैक किया, दोनों मैचों में बाकी के इन्होंने कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस दी है और मैं तो बोलता हूँ इस जीत की जो नींव है ना वो इनके गेंदबाजों ने रखी है। ठीक है, इनके गेंदबाजों ने नींव रखी और बल्लेबाजों ने भी अपना काम किया। आज वाले मैच में भी अगर आप देखो तो शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा प्लस इनकी अच्छी ओपनिंग, एक वक्त पे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं विकेट लेस ये जीत ना जाए, बाद में चलिए दो विकेट इनके दोनों ओपनर्स चले गए लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया था और होना भी यही चाहिए। बल्लेबाजी जब एक तो आपने बोर्ड पे इतने कम रन लगवाए कि बल्लेबाजों के लिए चीजें आसान कर दी, ठीक है आपके दो विकेट गिरे कोई बात नहीं, लेकिन एक टेम्परामेंट और एक क्लास बता दिया पाकिस्तान की इस टीम ने कि हम भले ही हमारा पास्ट कुछ परफॉर्मेंस ऐसा रहा हो जहां पर हम नीचे लगे हो लेकिन अब हम कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा इनका टेम्परामेंट। ये चीज है बिल्कुल, सौरभ भी जुड़ चुके हैं इनके पास भी आएंगे। बाकी मेन सवाल यही है कि जी पाकिस्तान को लेकर लोगों ने बहुत कुछ सोचा और फैक्ट भी है, देखो जो परफॉर्मेंस थी उसको लेकर बहुत कुछ सोचना भी बनता था, उनके पॉलिटिकल चीजों की भी बात की जाती है, खिलाड़ियों को लेकर भी बात की जाती है। अभी इसी सीरीज से पहले भाई पाकिस्तान के हेड कोच होते थे गैरी कस्टन, वो गैरी कस्टन जो दिग्गज कोच माने जाते थे, लेकिन सीरीज से पहले गैरी कस्टन को हमने देखा कि वो अब इनके साथ व्हाइट बॉल क्रिकेट में कोचिंग नहीं करेंगे। जैसन गिलेस्पी को लेकर आते हैं जो इनके रेड बॉल क्रिकेट के कोच रहते हैं और आज जब उनको उठाया गोद में बिल्कुल कप्तान ने मोहम्मद रिजवान ने और जिस तरीके से टीम का परफॉर्मेंस रहा है तो पाकिस्तान क्रिकेट को इस चीज की जरूरत भी थी, अगर उनके क्रिकेट को सौरभ जिंदा करना था तो क्रिकेट की जरूरत थी। इस बार है ना पाकिस्तान के लिए अनबिलीवेबल चीजें हुई है। सबसे पहले अर्शद नदीम ने वो गोल्ड मेडल जीत लिया ओलंपिक में जाके, जिसका बाद में क्रेडिट खैर सब ले रहे थे कि सर आपका विजन है ये वो है, ऑस्ट्रेलिया में जिनको रन पड़े उन्होंने खुद ये बोल दिया कि हमारी टीम एक मैच जीत जाएगी तो बहुत बड़ी बात होगी, यानी कि वो खुद ये सोच रहे थे कि यार मैं बच जाऊं वरना वहां ना होगा कि इन लड़कों में पोटेंशियल तो है, तभी तो ऑस्ट्रेलिया में जाके जीते, वरना हर किसी के बस की बात नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हरा दो। भले ही आज फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी लेकिन पिछले दोनों मुकाबलों में इन्होंने ठीक ठाक जो है झटका दिया है उसकी चैंपियंस को। पाकिस्तान ने इतिहास रच दिया है, पहली बार ओडीआई सीरीज पाकिस्तान ने जीता है ऑस्ट्रेलिया को हराकर ऑस्ट्रेलिया के ही ग्राउंड में। बाबर आजम ने एक बार फिर से मैच को फिनिश कर दिया, बाबर आजम ने मैच फिनिश कर दिया है, छक्का मारकर बाबर आजम ने मैच जिताया है और पाकिस्तान की टीम ने इतिहास रचा है। रिजवान और बाबर की जोड़ी ने एक बार फिर से बताया है कि भाई इस पर अगर विश्वास किया जाए, भरोसा दिखाया जाए तो इतिहास रचा जा सकता है। पाकिस्तान ने इतिहास रचा है, ओडीआई सीरीज जीत ली है और बाबर आजम ने एक बार फिर से छक्का मारकर पाकिस्तान को मैच जिताया है। एटलीस्ट जो आप चाह रहे थे आपकी टीम करे वो करके दिखाया है पाकिस्तान के सारे। बाबर आजम फिनिशर्स इन स्टाइल, पाकिस्तान क्रिएट्स हिस्ट्री। क्या गजब की कमेंट्री आज हो रही थी भाई, क्या गजब की कमेंट्री हो रही थी भाई। बाबर आजम एज ए बैट्समैन भाई किसी को शक नहीं था, बस यह है कि बंदे को फॉर्म में आना था। रिजवान की कैप्टनसी, बाबर आजम की बैटिंग, यही कॉम्बिनेशन जो है आप चाह रहे थे, आपके खिलाड़ी रन्स बनाए और बाबर आजम ने रन्स बना के दिखाया है, आपकी टीम ने परफॉर्मेंस करके दिखाया है। और आखिरकार दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक दफा लाइक शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।